गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल डिजाइन ड्राफ्ट पॉइंट। आज बहुत ही छोटा एक प्रोजेक्ट लेकर मैंने आया, लेकिन बहुत काम का है ये प्रोजेक्ट। प्रेशर गेज सेवर, माने गेज सेवर नाम से इसको जाना जाता है मार्केट में। बहुत ही मज़ेदार है, कॉस्ट बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 250 से लेकर 275 तक है। ये प्रेशर गेज को प्रोटेक्ट करता है। बहुत कॉस्टली जो प्रेशर गेज होता है, डिजिटल प्रेशर गेज होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आज इसको मैं असेंबली दिखाएगा, उसका फंक्शन क्या है वो मैं दिखाएगा। तो आप लोग चाहते हो तो इसका मार्केटिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा ईमेल एड्रेस एंड मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग के साथ कोऑपरेशन करेगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बात करते करते, उसको असेंबली एंड उसका जो फंक्शन जो है वो देख लेता है। तो उसमें जो पहला जो पार्ट मैंने इसको इंसर्ट करेगा, ये है बल्ब बॉडी, गेज सेवर बॉडी, ये है मेन पार्ट इसका। मैं इसको ले लिया है, इसको मैं डिलीट मार दिया है एक पार्ट को, तो इसको मैं ग्राउंड कर दिया है। अभी इसमें जो फर्स्ट पार्ट जो मैं असेंबली करेगा, ये तो देखिए इसको मैंने ना सेक्शन करके करता है, तो इंटरनल असेंबली दिखने में हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा, अन्य तो मैं करेगा लेकिन समझ में आना बहुत मुश्किल है जी इंटरनल असेंबली इसको कैसे होता है। तो इसको मैं स्लाइस कर देता है, इसको दो टुकड़ा कर देता है। अभी इंटरनल जो वर्क है इसका, तो इंटरनल वर्क हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए इसका इंटरनल जो है, इंटरनल ऐसा है, मशीनिंग ऐसा किया जाता है इसको। अभी मैं इसको जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो असेंबली होता है, वो फर्स्ट पार्ट में इसको असेंबली करेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट को बोलता है, ये लोड बुश बोलता है इसको, ये लोड देता है, बा ब्लॉकेज बुश भी कोई कोई बोलता है इसको, एक्चुअल इसको लोड बुश ही इसका नाम है। तो अभी इसको ये लोड बुश के साथ में एक ओरिंग असेंबली करेगा, जो इसको बेस को जाके वो सील कर देता है, सीलिंग करता है। तो इसको मैं इसका साथ पहला कॉन्सेंट्रिक कर लेता है इसका साथ इसको, उसके बाद उसको ये फेस का साथ मैंने उसको मैटिंग कर दिया। अभी इसका साथ इसको मैंने कॉन्सेंट्रिक कर देता है, कॉन्सेंट्रिक कर दिया। अभी यही जो ओरिंग का जो फेस है, इसका साथ इधर मैंने इसको मैटिंग कराया, इसका मतलब है मैंने उस इधर इसको रखा। अभी देखिए ये ओरिंग एक फेस में जाके टच होके बैठा है ये। अभी इसका सेकंड जो है, ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में असेंबली कर देता है इसका स्प्रिंग। तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा स्प्रिंग। अभी सेक्शन जब करता है मैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है सेक्शन में, इसका जो पार्ट है वो पार्ट को भी वो सेक्शन कर देता है। अभी इसको इधर में एक फेस पे मैंने स्प्रिंग को रखा, रख के मैं इसका साथ इसको कॉन्सेंट्रिक कर देगा, तो ये बराबर जाके उधर बैठ जाएगा। ये जी सेंटर लेकर ये बैठ गया। अभी स्प्रिंग को दबाने के लिए एक प्लग है, थ्रेडेड प्लग को लगा देता है। जब मैंने ये प्लग को लगाएगा इसको, तब तो स्प्रिंग को दबा के वो जो ओरिंग जो है, ये ओरिंग को उस फेस का साथ प्रेस करेगा। ये इसके साथ मैंने इसको कॉन्सेंट्रिक किया, कॉन्सेंट्रिक करने के बाद मैंने एक फेस में ये, अभी मान लीजिए ये मैं घुमा के मैंने इसको पूरा टाइट कर दिया है। पूरा टाइट जब मैंने किया है, देखिए
स्प्रिंग जाकर कि इसको दबाया, ए पार्ट को दबाया, ए पार्ट को जब दबाया जो ओरिंग इसका साथ जो लगा है ए फेस का साथ, ये एकदम सील हो चुका है, लाइन को सील कर दिया है। तो अभी ये है मेन लाइन है, प्रोसेस लाइन है, प्रोसेस कनेक्शन है, इधर से इधर प्रेशर जाता है, प्रेशर जाके इधर से रुकता ही। अभी ये जब ये ओपन होगा तब इधर से इधर जाके ये प्रेशर गेज में जाएगा, इधर प्रेशर गेज लगा रहता है। तो इधर थोड़ा सा एक बात कर लेता है जी, प्रेशर गेज जो है, प्रेशर गेज ये प्रोटेक्ट करने का क्या जरूरी होता है? प्रेशर गेज जो है जे मैं मान मैंने मान लीजिए जे 0 to 10 kg का कोई प्रेशर गेज है उसका रेंज, तो ये 75% तक यूज होता है। अगर 100% यूज किया तो उसका लॉन्गजिविटी खत्म हो जाता है। तो 0 to 10 kg का जो प्रेशर गेज है तो उसका ऊपर 25% ओवरलोड प्रोटेक्ट होता है। तो मतलब है 12.5 kg तक अगर आया प्रेशर गेज में प्रेशर, तो प्रेशर गेज डैमेज नहीं होगा लेकिन उसका लॉन्गजिविटी बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसीलिए 75% तक प्रेशर गेज यूज करता है। तो 0 to 10 kg का प्रेशर गेज है तो 7.5 kg उसका वर्किंग प्रेशर है, वर्किंग पॉइंट है। तो मैं इधर 7.5 kg से अगर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो इसको ना बंद कर देने का, ये लाइन को बंद कर देने का मेरे को। तो ये लाइन को कैसे बंद करने का है, तो नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट पार्ट असेंबली करता है, ये इसको बोलता है एडेप्टर है, ये एक एडेप्टर है, एडेप्टर को इधर पहला असेंबली करना है मेरे को, इसको साथ इसको कॉन्सेप्टी के इधर लगाया मैं, लगाने के बाद अभी इसको इधर मैटिंग कराता है मैं, लग गया। तो इसमें एक चीज है जे आप ये जो मैंने मेटिंग कराया, तो इधर ना इधर टी गोल्डिंग होता है, इन जनरली 99% टी गोल्डिंग ही होता है। तो थ्रेडेड करेगा तो इधर स्पेस जो है ना वो स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए इसको टी गोल्डिंग होता है। तो टी गोल्डिंग जब होता है तब तो इसको फ्यूजिंग किया जाता है। तो मैं इसको ना इसको फ्यूजिंग ही कर रहा है। तो देखिए ये इन्वेंटर कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है जी, मैं इसको होल्डिंग मार दिया, देखिए इसको होल्डिंग मार दिया, देखिए मैंने इधर होल्डिंग मार दिया। इसको कलर थोड़ा सा ना ये एम्बियंट जो है, एम्बियंट थोड़ा सा उसको रेड कर देता तो हम लोग को और भी अच्छा से ये पता चल जाएगा, समझने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए जी मैंने होल्डिंग मार दिया इसको। अभी इसका साथ जो असेंबली होने वाला जो पार्ट, वो पार्ट में लेकर आता है इसको, पिन है ये जो पिन है, ये पिन का काम है जे वो उसको अलगा कर देने का। तो मैंने जब करेगा तो आप लोग को पता चलेगा मैंने कैसे कर रही है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता है ना, तो इसका जो सेक्शन एरिया है, सेक्शन एरिया में उसको ना कार्ड दिखाया, अभी भी कार्ड दिखा रहा है ये, ठीक है। चलिए तो इसका साथ दो ओरिंग लगता है, ये ओरिंग ओरिंग ये सीलिंग ओरिंग है, ये दोनों, ये भी कार्ड दिखा रहा है। इसका साथ इसको सेंटर कर देता है। एक्चुअल मैंने जो काट करके रखा है इसके लिए ना ये ऐसा देखा, ऐसा दिखाता है। तभी इसको ऐसा इधर ओरिंग को ना इसका टेंजेंट का साथ में, इसको फेस का साथ मैंने लगा दिया है। अभी इसका जो टेंजेंट है इसका साथ मैं इधर लगा देगा, तो उसका मतलब है मेरा ये जो ओरिंग है, ओरिंग असेंबली हो चुका है। अभी इसको मैं इधर लेकर आएगा, लाके इसके साथ मैं असेंबली करेगा। अभी देखिए ये इसका अंदर मैं इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करके उसको उसका पोजीशन में मैं उसको बैठा देगा। अभी तो अभी ये जो है ये
फेस जो है ए फेस पे मैंने बैठाया, फेस में बैठाने के बाद इसको मैंने 2 मिलीमीटर ना मैंने उसको ऊपर रख देगा, ये ऊपर रख दिया मैंने। अभी देखिए इसका ए जो पिन, अगर ए पिन जाके इसको ना किसी तरफ इसको ना अगर गैप कर दिया तो इधर से प्रेशर निकल के चला जाएगा। तब इस जो सेकंड जो पार्ट है उधर इधर एक जे स्प्रिंग लगता है, इधर भी एक स्प्रिंग लगता है, ये जे स्प्रिंग लगता है इधर, इधर भी एक स्प्रिंग असेंबली होता है। तो ए जे स्प्रिंग असेंबली हुआ तो इसको मैं स्प्रिंग को उसका साथ में कॉन्सेंट्रिक कर देगा। अभी अभी इसका साथ ये बैठ गया है। अभी अभी हम लोग को ऑलमोस्ट असेंबली खत्म हो चुका है। अभी दूसरा जो है, दूसरा पार्ट जो है लास्ट पार्ट है, एकदम लास्ट पार्ट है एक ग्राविस्क्रू। ग्राविस्क्रू आप लोग देखा होगा, इसका स्प्रिंग जो है स्प्रिंग के ऊपर मैंने इसको लगा रहा है, इसलिए जब मैंने ग्राविस्क्रू को जब घुमाएगा तब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होके पिन को सामने लेकर जाके वही पार्ट को जो उसको ओपन कर देगा, ये भी ओपन कर देगा। अभी इसको मैंने लगा दिया। अभी देखिए जे इसका जो पूरा जो असेंबली है, मतलब है इधर से प्रेशर इनपुट होगा। अभी मैं इसको ना बड़ा स्क्रीन कर लेता है। अभी देखिए इधर से, अभी ये बंद है तो इधर से जो प्रेशर जाएगा ये प्रेशर जाने के लिए नहीं दे रहा है, ये ओरिंग इधर बंद है। अभी मैंने जब ग्राविस्क्रू को जब घुमाएगा तब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होकर इसको सामने लेकर जाएगा, इधर भी स्प्रिंग लोडेड है तो इसके इससे इसका लोड ज़्यादा होगा। इसको जो मैंने लोड देकर रखा है तो इससे ज़्यादा लोड होगा, ज़्यादा लोड होने के बाद ये अलगा हो जाएगा, थोड़ा सा गैप हो जाएगा 0.23 का वहाँ पर गैप होकर इधर से प्रेशर चला जाएगा। अभी जब हाई प्रेशर आएगा, मान लीजिए 7.5 किलो में सेट है, 8 किलो में सेट है, अभी 10 किलो प्रेशर आया, तो 10 किलो जब प्रेशर आया तो इधर तो लोड तो बहुत ज़्यादा है, अभी ये स्प्रिंग तो उधर ले जा नहीं सकते उसको, तब तो यही जो प्रेशर 10 किलो प्रेशर आया, 10 किलो प्रेशर आने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके लिए इधर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब इससे ज़्यादा फोर्स जब हो जाएगा तब तो ये जाके ना ये को ना बंद कर देता है, ये ऑरिफिस को ना बंद कर देता है। तो मेन कैलकुलेशन के स्प्रिंग का कैलकुलेशन, ए कैलकुलेशन, अरे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत मार्केटिंग है उसका, इंटरनेशनली मार्केटिंग है, जो एनालॉग प्रेशर स्विच नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसका असेंबली करेगा, उसका फंक्शन मैंने बताएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करेगा तो तुरंत आप लोग को पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू, गुड डे।